फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। और दोस्तों, बात करते हैं तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर की ये जो ऑनगोइंग वॉर चल रही है इसके बारे में। हाल ही में जब तनुश्री दत्ता ने 10 साल बाद ये मुद्दा वापस उठाया, जी हाँ, पहले उठा चुकी थी वो मुद्दा, लेकिन कुछ बात नहीं हुई उस मुद्दे पर। और अब ये मुद्दा जब निकल गया है और इस पर इतनी बातें हो रही हैं कि तनुश्री सब बिग बॉस से बिग बॉस सीजन 12 में जाने के लिए कर रही हैं, तो इस पर तनुश्री ने अपना स्टेटमेंट देते हुए साफ कह दिया है कि ऐसा नहीं है, उन्हें बिग बॉस में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उन्होंने कहीं ना कहीं सलमान खान पर भी टारगेट करते हुए ये कह डाला कि सलमान खान कोई भगवान नहीं है और बिग बॉस का घर कोई जन्नत नहीं है जहां मैं जाना चाहूंगी। तो अगर लोगों को ऐसा लगता है कि मैं यानी तनुश्री दत्ता बिग बॉस के घर में जाने के लिए पब्लिसिटी स्टंट कर रही हूं, तो ये सरासर गलत है। अब जितने भी र्यूमर्स थे बिग बॉस को लेकर कि तनुश्री शायद जाना चाहती है इसलिए वो ये पब्लिसिटी का स्टंट कर रही है, तो कहीं ना कहीं तनुश्री ने सारे हेटर्स को खुद ही स्लैम कर दिया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और साथ ही साथ तनुश्री ने ये भी पोछे किया, ये भी कहा कि बिग बॉस की पब्लिसिटी के लिए मेरी ये हरकतें करना, लोगों का ऐसा सोचना कहीं ना कहीं मेरी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन क्रिएट करता है, कहीं ना कहीं मेरी चीज़ों पर क्वेश्चन क्रिएट करता है। और इसीलिए शायद उन्होंने ये साफ कर दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और मैं बिग बॉस में जाने की भूखी नहीं हूँ, मैं अटेंशन की भूखी नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो इस पर मुझे लगता है कि भले ही सलमान शायद कुछ रिएक्ट करे ना करे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सलमान खान का इस पर क्या कहना है उनके इस कमेंट पर, लेकिन मुझे लगता है सलमान के फैंस डेफिनेटली इस चीज़ पर कमेंट करेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि तनुश्री पर ही ये बैकफायर कर जाए वापस से। सो दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, प्लीज़ हमें अपने व्यूज़, अपनी जो भी आपके रिव्यूज़ हैं, आपके व्यूज़ हैं, हमें कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। और ऑल्सो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूवीज अड्डा को।